हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। विन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक पर बात करेंगे, नारी शक्ति आंदोलन। ठीक है, नारी शक्ति मतलब नारी मुक्ति आंदोलन। ठीक है, तो नारी मुक्ति आंदोलन जो कि बिल्कुल ही अलग टॉपिक है और यह आधुनिक भारत के इतिहास में हम इसे पढ़ रहे हैं और यह यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। हर स्टेट BCS एग्जाम्स में देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और UPSC जैसे एग्जाम्स में भी देख सकते हैं कि इसमें सिविल सर्विस के जो भी एग्जाम्स हैं इसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है। यहाँ पर हम सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, महिला शिक्षा की बात करेंगे। इस सारे शिक्षाएं इनसे संबंधित हम आज का जो टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश काल में जिस प्रकार से स्थिति बन चुकी थी वे एक तरह से सामने विरोध और प्रदर्शन, यहाँ पर विद्रोह, इस प्रकार की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। उसी के क्रम में हम इन सारे सेक्शन को देखने हैं और चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ऐतिहासिक दौर पर बात करें तो सती प्रथा की बात पहले हम देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे सती प्रथा की स्थिति क्यों आई। सती प्रथा हमारे परंपरागत समाज में है, हिंदू समाज में चल रहा था, जिसके कारण से एक घटना हुई जिसमें बंगाल में, और वह बंगाल में जो घटना हुई थी राजा राम मोहन राय के परिवार में हुआ था। जिस समय तत्कालीन समय पर राजा राम मोहन राय की जो भाई है उसका एक्सपायर कर गया, और बड़े भाई के एक्सपायर कर जाने के बाद में उसकी जो भाभी थी उसको सती होना पड़ा था, जिसे राजा राम मोहन राय रोकना चाहते थे लेकिन समाज के जो इतने बड़े दबाव के कारण वे रोक नहीं पाए, जिसके कारण से उसको मन में बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। ठीक है, लेकिन उसने बेड़ा उठाया कि उसी समय से उन्होंने शपथ ली कि सती प्रथा को किसी भी प्रकार से उसे अंत किया जाएगा और यह मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो उसी प्रकार से उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध उन्होंने एक तरह से बिगुल बजा दिया था। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं थी और यहीं से उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान भी जाता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत किया था। उस समय पर तत्कालीन समय पर एक रेगुलेशन पारित किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, कि धारा 17 के द्वारा, ठीक है, 1829 के धारा 17 में, ठीक है, 1829 की धारा 17 में क्या किया गया था, 17 धारा में एक पारित किया गया और अधिनियम पारित किया गया और सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस प्रकार से बंद कर दिया गया। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन के राय के प्रयासों से बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इसके विरुद्ध एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है नारी मुक्ति आंदोलन में सती प्रथा का समाप्त हो जाना एक बहुत ही एक स्वस्थ समाज की ओर इंगित करता है, एक स्वस्थ समाज को एक दिशा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आगे चल करके देखें कि बंगाल में यह जो लागू हुआ था 1829 में, उसी प्रकार से मुंबई और मद्रास के क्षेत्रों पर भी 1830 में लागू कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पर, मुंबई और मद्रास के क्षेत्रों पर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे तो ये दोनों भी हो जाएगा, 1830 में लागू कर दिया गया। उसी प्रकार से देख सकते हैं सती प्रथा आगे चल करके समाप्त हो गई ऐसा माना गया। इस प्रकार से देख सकते हैं कि विधवा पुनर्विवाह को देखें तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में कई सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें जुड़े हुए थे, जिसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने माना कि विधवा पुनर्विवाह जो कि होना आवश्यक है, क्योंकि जो महिलाएं हैं विधवा हो जाती हैं उसके बाद दोबारा उनका विवाह नहीं हो पाता, जिससे आजीवन वह एक तरह से वह परेशान व पीड़ित रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा और विधवा पुनर्विवाह इन्होंने पारित कराने का संकल्प लिया। ठीक है, तो एक इसमें जुड़े हुए व्यक्ति थे, विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए व्यक्ति एक क्या हो जाएंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, इसे विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवाया 1856 में। 1856 का विधवा पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसी से संबंधित है। ठीक है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट का पारित करवा करके इन्होंने क्या किया था, इसे समाप्त करने की इन्होंने एक प्रयास कर रखा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ देखेंगे विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में काम करने वाले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, प्रोफेसर डी के करवे जो कि फर्ग्यूसन कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, और उस प्रोफेसर ने क्या किया था, स्वयं एक विधुर हो गया था। ठीक है, तो कुछ समय पश्चात उन्होंने स्वयं विधुर हो गया था। विधुर होने जाने के पश्चात में उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा से शादी किया था, विवाह किया था, और स्वयं इस तरह से अपने इसको आगे बढ़ाया था, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इस प्रकार से कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर डी के करवे
ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर डी के करवे का जो आंदोलन था बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना इन्होंने की थी, यहाँ पर महिला शिक्षा पर बात कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा। प्रोफेसर डी के करवे ने क्या किया था, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रोफेसर डी के करवे ने किया था, और इसलिए महिला शिक्षा पर उन्होंने बल दिया था। तो महिला शिक्षा की बात किया जाए तो महिला शिक्षा क्योंकि ज़रूरी था समाज में, जो कि पिछड़े हुए लोग थे वे महिला शिक्षा के स्तर पर बहुत ही नीचे थे और ये शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे, इसलिए कई सारे लोगों ने इन्होंने आकर के महिला शिक्षा पर बात की, और महिला शिक्षा पर डी के करवे का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं एक राधाकांत देव हैं, राधाकांत देव ने महिला शिक्षा के कट्टर समर्थक थे, ठीक है, राधाकांत देव, और राधाकांत देव जो कि इसमें महिला शिक्षा के कट्टर समर्थक थे, और इन्होंने 35 बालिका विश्वविद्यालय विद्यालय की स्थापना की थी बंगाल के क्षेत्रों पे। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखेंगे इसके अलावा भी इन्होंने कार्य किया था, और इसमें देख सकते हैं राधाकांत देव वही है जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी, और यही राधाकांत देव थे, ठीक है। इसके अलावा महिला शिक्षा पर बात करें तो आगे चल करके महिला शिक्षा की बात 1854 में एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे पारित किया गया, और ब्रिटिश सरकार के वुड्स घोषणा पत्र है जिसमें महिला शिक्षा की बात कही गई थी, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि महिला शिक्षा पर बात करने के लिए देखा जाए तो एक शासक एक तरह से ईसाई पादरी थे, और जो कि ब्रिटिश थे, और ब्रिटिश लोगों के द्वारा ईसाइयों के द्वारा इस प्रचार प्रसार किया गया, और कलकत्ता में एक तरुण स्त्री विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, स्त्री सभा की स्थापना की, ठीक है, क्या हो जाएगा, कलकत्ता के क्षेत्र में, कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा, ठीक है, तरुण स्त्री सभा जो कि महिला शिक्षा पर बात किया था, ठीक है, और इस पर प्रतिबद्ध था। तो इस प्रकार से ईसाई जो पादरी होते थे उनके द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा इसको शिक्षा को बल देने के लिए इस पर बात की गई थी, स्त्री महिला शिक्षा पर बात की गई थी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं बाल विवाह को विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग आए, और जिसने बाल विवाह को विरोध किया था, क्योंकि माना जाता रहा है कि बाल विवाह उस समय पर, तत्कालीन समय पर बाल विवाह का प्रचलन बहुत व्याप्त था, और कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था, जिसके कारण से महिलाएं जो थी बहुत जल्दी ही क्या हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। इसके कारण से विधवा पुनर्विवाह के भी प्रचलन माने नहीं था। फिर आगे चल करके हम देखें यहाँ पर कि विधवा को पुनर्विवाह की मान्यता दी गई, ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो आगे चल करके इसमें क्या किया गया, बाल विवाह को रोक लगाने की बात कही गई, और बाल विवाह के लिए एक एज लिमिटेशन की बात कही गई, ठीक है। इसमें कई सारे जो हम देखेंगे एक्ट के माध्यम से भी किया गया, बाल विवाह को प्रथा को इस तरह से रोकने लगाने की बात कही गई। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो 1872 में सबसे पहली बात नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था, क्या किया गया था 1872 में, ठीक है, 1872 में क्या किया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, एक बिल पारित किया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, और नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, इसे एक पारित किया गया, और इसमें स्त्री जो शिक्षा हो, स्त्री का जो विवाह होगा, महिला जो लड़की का विवाह होगा उसका विवाह कितना होना चाहिए, 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 14 वर्ष से यदि कम होना चाहिए, 14 वर्ष से ऊपर, ठीक है, 14 वर्ष से ऊपर इसको निर्धारित किया गया। यदि इसके नीचे किसी भी प्रकार का विवाह होता है तो उसको अवैध माना जाएगा, इस प्रकार से इस नेटिव मैरिज एक्ट में उसे बताया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से बातें इंपॉर्टेंट हो जाएगी 1872 की जो एक्ट है इसमें। इसके अलावा देखेंगे हम लोग 1872 के बाद में हम देखते हैं V.M. मालाबारी के नेतृत्व में, ठीक है, M.V. मालाबारी के नेतृत्व में, मालाबारी के नेतृत्व में एक फिर से बिल, एक मतलब प्रयासों से फिर एक तरह से क्या किया गया, बाल विवाह को रोक लगाने का प्रयास किया गया, और मालाबारी के नेतृत्व में 1891 में प्रयास किया गया, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी ध्यान रखा है, जिसमें से कहा गया था
कि 12 वर्ष से कम, कितना 12 वर्ष से कम उम्र की जो कन्या है उससे विवाह नहीं किया जाएगा, उसका विवाह नहीं किया जाएगा, और यदि विवाह किया जाता है यह अवैध माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बातें कही गई। इसके अलावा हम देखेंगे तो इसमें 1930 में एक लाया जाता है शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है, और शारदा एक्ट में इस बात की व्याख्या की गई थी कि बाल विवाह नहीं किया जाएगा, जिसमें एक एज लिमिटेशन की गई थी। और ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है इसमें एज ऑफ कंसेंट है सर्वसम्मति एक्ट के माध्यम से इसमें दिया गया था, किसमें है सम्मति एक्ट। ठीक है, सम्मति एक्ट अधिनियम के माध्यम से 1891 12 वर्ष से कम आयु की जो कन्या है उसको विवाह नहीं कराया जाएगा। इसको भी ध्यान देना है, शारदा एक्ट जो महत्वपूर्ण है, शारदा एक्ट में ये बात कही गई थी कि 14 वर्ष से जो कम उम्र की कन्या है उसका विवाह अवैध माना जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया, 14 वर्ष से कम उम्र की जो कन्या है, ठीक है, कन्या, तो उसका विवाह अवैध माना जाएगा, ये भी कन्या है यहाँ पर। और इसमें 18 वर्ष से कम, मतलब कि इसमें ऊपर होगा, इसमें भी ऊपर होगा, 18 वर्ष से ऊपर के विवाह को जो एक तरह से इसमें कह सकते हो लड़का का विवाह, ठीक है, तो लड़के का विवाह 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, उससे कम होता है तब क्या होगा, वह अवैध माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो बातें की गई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ में देख सकते हैं बाल विवाह से संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं इसके बारे में क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कुछ अन्य बातें हैं जिसको आपको समझनी है, जिसमें से देख सकते हैं 1923 में देवदासी प्रथा लाया गया था, देवदासी एक्ट लाया गया, और देवदासी एक्ट लाने के कारण यह था कि देवदासी प्रथा बहुत व्याप्त थी समाज में, देवदासी दासियां रखी जाती थी, एक से ज़्यादा दासियां रखे जाते थे, कोई भी जमींदार होता था या कोई अच्छा परिवार से संबंधित होता था या फिर कोई सामंत होता था, ठीक है, तो या राजा होता था, उनके द्वारे एक से अधिक दासियां रखी जाती थी, जिसके कारण से इसमें देवदासी प्रथा को एक मतलब को एक हटाया गया। तो ये जो घटना है आपके कब है, देवदासी प्रथा का है 1947 में है, कब है 1947 की घटना है, 1923 की जो घटना है वह क्या था, वह आपका वेश्यावृत्ति से संबंधित है। ठीक है, क्या है, वेश्यालय को प्रतिबंधित करने की बात थी, तो वेश्यालय एक्ट लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया था देवदासी वह 1947 का होगा, और 1923 में लाया गया था वह क्या हो जाएगा आपका वेश्यालय एक्ट, वेश्यालय एक्ट लाया गया था जो कि इम्पॉर्टेंट है। वेश्यालय एक्ट में यह था कि यहाँ पर पुरुष संचालित किया जाता था, पुरुषों के द्वारा उसे ऑर्गेनाइज किया जाता था, रेगुलेट किया जाता था, तो उसको कहा गया कि अब जो है वेश्यालय को पुरुष नहीं संचालित करेंगे, सिर्फ महिलाएं संचालित करेंगी, उसी प्रकार से इसे वेश्यालय एक्ट को लाया गया। 1923 में ये घटना घटित हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक एक्ट लाया जाता है 1955 में, 1955 में महिलाओं के आंदोलन के लिए, मुक्ति आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण एक और है, हिंदू पुनर्विवाह, इसमें सॉरी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में क्या होगा, हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया, और इसमें एक तरह से कहा गया कि एक से ज़्यादा पुरुष जो है एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ में विवाह नहीं कर सकता है। क्या कहा गया, एक से अधिक महिलाओं के साथ में पुरुष विवाह नहीं कर सकता है यदि कोई महिलाएं पहले से है उनके साथ में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधिनियम इस प्रकार से बातें कहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसी प्रकार से एक और इम्पॉर्टेंट है 1956 का हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज से संबंधित है इसमें पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है 1956 में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, हिंदू जो कि दहेज विवाह से संबंधित है उसमें उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित है, जिसमें जो महिला होगी पुत्री होगी उसको पूर्णतः अपने भाई के साथ ही उसके बहन को भी उतना ही प्रायोरिटी दिया जाएगा संपत्ति पर, मतलब उत्तराधिकार में उसको भी उतना ही प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब बराबर की हिस्सेदारी का वो अधिकारी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 1956 में ये अधिनियम लाया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारे सेक्शन को देखा, नारी मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में सारे सेक्शन को देखा है, क्लियर देखा है। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें, और हम आगे के चैप्टर्स में बिल्कुल अलग तरीके से वीडियो लेक्चर को देखेंगे। और यहाँ पर आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नारी मुक्ति आंदोलन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे जल्दी ही, और इस तरह से रिविज़न करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, और अलग अलग लेक्चर्स जो कि वीडियो के प्लेलिस्ट में हैं, अलग अलग जो कि डेली हमारे करंट अफेयर्स वीडियो जो चलते हैं
करंट अफेयर्स का डेली वीडियो अपलोड होता है, जो कि न्यूज़ है, जो कि अपडेटेड है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ में हमारे वीडियो लेक्चर्स में हिस्ट्री के हैं, साथ ही साथ में 14 प्रमुख रियासतों को छत्तीसगढ़ के बारे में जो दिया गया है वो भी हैं। इसके अलावा भी कई सारे आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। तो ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।